हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकाला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उस प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को जो है निकाला गया है। और जो यूनिवर्सिटी है वो है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो कि गोरखपुर में सिचुएटेड है। अगर बात करें नोटिफिकेशन डेट की, तो ये जो नोटिफिकेशन डेट है 6 मई को रिलीज़ किया गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन इनवाइटेड है और इसका जो पे ग्रेड है वो आपका लेवल 14 रहेगा और पेमेंट जो रहेगा वो आपका 1,44,200 टू 2,18,200, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट देखिए, उन्होंने बोली है कि अगर आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें तो फिलअप करने के बाद आपको अपने जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको अटैच करने हैं और आपको सेंड कर देना है अपना हार्ड कॉपी टू द ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडमिन बिल्डिंग, DDU, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर 273009। और जो लास्ट डेट मेंशन कर रखी है इन्होंने, कर रखी है 10 जून 2021। तो बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट की, तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्दू, इंग्लिश, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। और जो वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप ये भी एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि आपको अगर आपकी कैटेगरी, लाइक आपकी अगर रिजर्वेशन में कोई कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका रिजर्वेशन में नहीं है तो आप जो एज अ जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो वैकेंसी पूरी प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी मेंशन कर रखा है। तो अगर आप अनरिजर्व OBC IWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1,000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1,500 पे करना पड़ेगा। और अगर आप जो SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। और जो लास्ट डेट इसकी 10 जून 2021 तक आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आपको फिलअप करना है, उसके साथ आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करके सेंड कर देना असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडमिन बिल्डिंग, DDU, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर 273009, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने हैं, जिसके वजह से उसके बाद ही आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसके जो भी पॉइंट्स है वो अच्छे से आप पढ़िए। अब देखिए ये सेकंड जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर के, यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा लेवल 13, आपको पेमेंट मिलेगा 1,31,400 टू 2,17,000 तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोजिशन है ये एसोसिएट प्रोफेसर की है। तो यहाँ पर भी देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सबके लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और वैकेंसी भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है कि कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसी है, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात कर, इसमें भी सेम है, एप्लीकेशन फ़ी आपको 1,500 पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 1,000 इन केस ऑफ SC ST। यहाँ पर भी सेम आपको एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 आपको फिलअप करना है और आपको सेंड कर देना है आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसके साथ, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, तो ये भी आपको सेम करना है जैसे प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में किया गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और यहाँ पे जो आपको 7 पे कमीशन मिलेगा और उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 10। और यहाँ पे जो आपका पेमेंट आएगा वो 57,700 टू 1,82,400, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म 1 और 2 फिलअप करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के, और आपको सेंड कर देना असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडमिन बिल्डिंग, DDU, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर 273009 बिफोर 10 जून 2021। तो यहाँ पर भी देखिए आप जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, जैसे जियोलॉजी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC के लिए 1 वैकेंसी, SC ST के लिए 1 और DEWS कैटेगरी के लिए 1। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट सबके लिए जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज अ जनरल फिल करिए, अगर आप की रिजर्व कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है तो आप एज अ जनरल भी फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपको 1,500 रुपीज़ पे करना है फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को 1 और 2 दोनों को फिलअप करना है ऑनलाइन, और आपको उसमें सिग्नेचर करने हैं और अपने जितने भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं और सेंड कर देना है आपको
एड्रेस पे एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिन बिल्डिंग DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो अगर आप इन सब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है दीज आर परमानेंट पोस्ट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।